तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो कि इसमें क्या कह रहे हैं। ये कहते हैं कि करनॉट इंजन ऑपरेट बिटवीन टू रिजर्वर हाई एफिशिएंसी 1/3। ये जो है हॉट वाला है और ये कोल्ड वाला है, ठीक है ना। इसको सिंक भी बोला जाता है, इसको सोर्स भी बोला जाता है। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। यहाँ से हीट एनर्जी आती है, कुछ वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है Q1 और कुछ सिंक को चली जाती है। तो T1 इज ग्रेटर देन T2। और आपको पता है कि इसमें दो कंडीशन है। केस फर्स्ट में इफिशियंसी जो है वो दिया हुआ है, वो है 1/3, और इफिशियंसी का फार्मूला है 1 - T2/T1, ठीक है ना। अब ये कहते हैं कि इफ़ द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वर इज 99, मतलब इस पूरे सिस्टम में जो हॉट रिजर्वर है उसका टेम्परेचर आपको पहले ही दिया हुआ है, तो टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वर यहाँ पर तुम देखोगे T1 की वैल्यू तो वो 99 है। 99 प्लस 273 इसमें ऐड कर दोगे तो पूरा यहाँ पर देखोगे तो 372, ठीक है ना। तो यहाँ से और 9, 12 और यहाँ से 372 केल्विन टेम्परेचर T1 है। तो इसको मैं वहाँ पर लगाता हूँ तो देखता हूँ T2 कितना आता है, तो 1/3 1 माइनस यहाँ से T2 और यहाँ से 372 रख दोगे तो यहाँ से आ जाएगा T2/372 और यहाँ से 1 - 1/3 यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा मुझे 2/3। तो यहाँ से T2/372 और 3 से इसको काट दोगे तो 1, 2 और यहाँ से 4, तो यहाँ से T2 = 248 केल्विन। दिस इज़ बेसिकली द टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड दिस इज़ बेसिकली द टेम्परेचर ऑफ सोर्स हॉट एंड और ये इफिशियंसी। तो ये पहला कंडीशन हम लोगों का सॉल्व हो गया, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अगर जब मेरा पहला कंडीशन सॉल्व हो गया तो चलो अब दूसरा कंडीशन अगर मैं चेक करता हूँ तो देखता हूँ क्या मिलता है। तो दूसरे कंडीशन में ये कहते हैं कि वेन द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वर इंक्रीज बाय एक्स, मतलब T2 की वैल्यू मान लो T2 हो गई और जिसमें से T2 + X अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इफिशियंसी डिक्रीज होती है और नई इफिशियंसी आ जाएगी 1/6। तो नई इफिशियंसी 1/6 को मैं लिख सकता हूँ 1 - T2, T2 की वैल्यू T2 + X आ गई और डिवाइड कर दूँ T1 अभी वही रहा, तो यहाँ से तुम देखोगे तो T2 + X की जो वैल्यू आ जाएगी वो T1 और 1 - 1/6 दैट इज यहाँ से 5/6। तो यहाँ से T2 की वैल्यू 248 आ जाएगा और प्लस एक्स यहाँ से आ जाएगा, डिवाइड कर दें T1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 372 और यहाँ से आ जाएगा 5/6। तो 5/6 यहाँ से तुम इसको काटोगे तो ये कटने पे कितना आ जाता है, ये आ जाता है 62। तो यहाँ से तुम देखोगे तो 248 + X = यहाँ से 310 आ जाता है। तो यहाँ से X की जो वैल्यू आ जाती है वह जाती है 62 केल्विन। तो दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, 62 केल्विन इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज फोर्थ ऑप्शन सही है। ये टू कंडीशन दिया हुआ था, दोनों कंडीशन को मैंने सॉल्व किया जैसे कह रहा है। तो अपना बहुत ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।